नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। जूते को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए मटेरियल के साथ कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल आपके स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। केमिकल्स के दुष्प्रभाव के कारण आपके स्किन पर रेडनेस, दाने, खुजली, जलन आदि समस्याएं हो सकती हैं। आपको भी शू एलर्जी की समस्या है तो आपको इसके लक्षण और इलाज जान लेना चाहिए। शू एलर्जी की समस्या वैसे तो किसी को भी हो सकती है, पर जो लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते उन्हें शू एलर्जी का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं शू एलर्जी के लक्षण और इसके इलाज के बारे में। शू एलर्जी के लक्षण, अगर आपको जूते से एलर्जी है तो खुजली, सूजन, रेडनेस के लक्षण नजर आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पैर के एक तरफ ही रैश हो, तो ये भी शू एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। आपको शू एलर्जी है तो जूते पहनने के कुछ समय बाद ही आपके पैर में खुजली या जलन का एहसास होने लगता है। शू एलर्जी के कारण होने वाले रैशेस कई हफ्तों तक आपको परेशान कर सकते हैं। शू एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए आप खुली हुई ग्रीन टी लें और एक टब में गुनगुना पानी भरकर डालें। अब पानी में ग्रीन टी डालें और पैर डुबो कर बैठ जाएं। इस नुस्खे को आपको सुबह शाम रिपीट करना है। ग्रीन टी की मदद से पैर में जूते के कारण हुई एलर्जी दूर हो जाएगी। इसके साथ आप शू एलर्जी की समस्या को दूर करने के लिए सॉल्ट, वाटर, बेकिंग सोडा, मिंट आदि चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सामग्री को आप गर्म पानी के टब में मिलाएं और आधे घंटे के लिए पैर को डुबो कर रखें। एलर्जी ठीक हो जाएगी।